सारे बॉक्सेस आ गए हैं। तुम लोग निकलो 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 जल्दी। हाँ वर्मा जी, आप निकलिए। अब हमारी बारी। हेलो हेलो, पुनिया इतनी देर क्यों लगा दी? काम हो गया मैडम, कुछ ही देर में प्रगति सिलाई सेंटर जलकर राख हो जाएगा। क्या कहते हैं, मिशन ओवर। गुड जॉब। नजमा कहाँ हुआ? नजमा आओ अंदर। कहाँ नजमा? कहाँ हुआ? कहाँ हुआ नजमा? घर में सब ठीक है ना? अरे कुछ तो बोलो, कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? मुंह से कुछ बोलेगी कि जान लेगी तब बोलेगी। दीदी सब बर्बाद हो गया। कहाँ हुआ? हा? क्या हुआ क्या मौसी? वो सिलाई सेंटर पर आग लग गया जीजी। अरे बड़ी भयानक आग लगी है। तो रंजू जी के सिलाई सेंटर में आग लग गई। अरे रंजू जी का सिलाई सेंटर में आग लग गया। कुछ तो बचा होगा। अंदर कुछ बचा होगा नजमा, हम क्या जाने को? दीदी सब कुछ जल गया है, अंदर कुछ नहीं बचा। दीदी हमारा सपना, हमारा सेंटर, कल रात सब कुछ सुलग सुलग कर जल गया। दीदी नहीं नहीं, हम तो मालूम है, छोड़ो। नहीं मारो, मारो नहीं माँ। अंदर आके और कुछ भी नहीं बचा माँ, सब जल गया है माँ। माँ चल चलिए। हम ये कहा हो गया? अब कहा होगा हम सबका? किसका नजर लगा हमारे घर को? बेचारी रंजू, क्या हाल हो गया उसका? उसका तो कुछ भी नहीं बचा और उसे पता भी नहीं कि मुजफ्फरपुर में उसका यह हाल किया किसने। हमने उससे मिश्रा जी से मिलने का जुर्माना भी ले लिया और अपने बेटों से बदतमीज करने का खर्चा। हमरा तो दुनिया ही लूट गया। सवेरे सवेरे काम में आए तो पता चला हमरा सेंटर ही भूखा गया। वैसे दीदी ये सब कैसे हुआ? हमका नहीं मालूम कहाँ हो गया कैसे हो, कुछ नहीं मालूम। हमारा तो सब मेहनत ही बर्बाद हो गया। सोचे थे दो ही पैसे हाथ में आएंगे पर ये तो। चुप हो जा बुनिया, अब रोने से कोनो हल नहीं निकलने वाला है। अब हम दीदी जी के पास से कहीं नहीं जाएंगे, अब इन्हीं ही के साथ अपना दुख बांटेंगे। पता नहीं हमारे सिलाई सेंटर को किसकी नजर खा गई।